For more gossips, news and videos, download the Nehre app now. So when I had the opportunity to meet Sir, give my respect to him. I was really excited because I knew that he was like the man for horror. Well, that's your reputation. Okay. All right. Okay. It's great. It's awesome. It's great. And yeah. So I was very excited to, you know, be asked to come hear this story because I really love horror since I was a little kid, very into horror movies. And then of course, meeting him, we started talking about different movies that we liked and what were like the best things about the movies that we liked. And when he told me the story, I was like, okay, this is fabulous. And also him knowing exactly where these little scares or what do you call it, like boo moments and like the scare tactics come in, he really knew his stuff. And because I watch so many movies, I also know what scares me. So I said, okay, this is a no-brainer. Always wanted to do this. In 6 years living here, I've never come across any horror. It's always love story or some drama, dramatic love story or something. So this was so wonderful and something new. And I love trying new and different things. So that's it. And acting in the film was as scary as watching a film. So Vikram Bhakkar ke saath the, Sachin gaadi mein ja rahe the kahin, if I'm not mistaken. And विक्रम जस्ट कॉल मी के भूषण जी वो सर वो कुछ आपका वो प्लॉट था वो सुना दीजिए जरा सचिन को. तो ऐसे ही मैंने कुछ प्लॉट सुना दिया और 3 मिनट में ही जस्ट लव्ड इट एंड दैट्स हाउ अमावस वाज बोर्न. मतलब अमावस तो ऐसे ही शुरू होगी. अमावस कहानी है एक कपल की जो सचिन जो है वो नरगिस को प्रपोज करना चाहता है, शादी के लिए प्रपोज करना चाहता है. और वो उसे अपने एक समर हाउस का फोटो नरगिस देख लेती है इंसिडेंटली किसी एल्बम में और वो लेके जा रहा है पेरिस. और यू नो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू डू दिस इफ एवरीवन टॉक्स हियर. दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. सो सॉरी, नो प्रॉब्लम. सो ही वांट्स टू टेक हर टू पेरिस टू प्रपोज टू हर. And she sees a castle, a summer house, जहाँ सचिन जाना नहीं चाहता लेकिन नरगिस के फोर्स करने की वजह से लेके जाना पड़ता है. और वहाँ क्या होता है इज़ वॉट अमावस इज़ ऑल अबाउट. अक्सर ऑडियंस का एक व्यू होता है कि इंडियन हॉरर फिल्में इतनी अच्छी नहीं बनती है. हॉलीवुड की फिल्में देखो या बाहर की फिल्में देखो, वो ज़्यादा अच्छी हॉरर बना पाते हैं. तो वो एस्पेक्ट को खास करके इसमें ध्यान रखा गया कि पहले तो स्टोरी, दैट इज़ द की. फिर उसके अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं लाइक VFX या साउंड इफेक्ट, दीज आर द की मोस्ट एलिमेंट्स इन अ हॉरर फिल्म. तो उस पर खास करके ध्यान दिया गया और कोशिश की है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच कर पाए. एंड दैट इज़ वॉट आई फील जो भी मैंने अभी तक देखा है, वी बीन एबल टू सक्सेसफुली डू इट. तो ऑडियंस एक सरप्राइज में होगी, एक शॉक में होगी कि एक इंडियन हॉरर फिल्म भी हॉलीवुड के लेवल की बन सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव टू बी अ वेरी सिंपल no makeup person, and in Rockstar and Madras Cafe I didn't wear any makeup, and now here we have some scenes where I don't wear makeup. Of course we see we have other scenes with glamorous looks. I feel more comfortable without makeup, but I'm okay with whatever the scene demands. A lot of makeup, no makeup, I'm okay. देखिए जैसे भूषण जी ने आपको बताया कि ये कपल की कहानी है तो जाहिर सी बात है रोमांस तो होगा ही और एक हैप्पी गो लकी कपल है. ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी है या डराना है या डरना है, ऐसा कोई माहौल है. तो गाने जाहिर सी बात है अच्छे होंगे. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट है गाने, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग प्रोसेस. इस फिल्म में खास करके जब आप गाने देखोगे, इट इज़ नॉट समथिंग दैट हैज़ बीन पुट फॉर, इट इज़ समथिंग के स्टोरी के साथ गाने चलते जा रहे हैं. ड्राइव्स द स्टोरी फॉरवर्ड. तो वो एक डायरेक्टर की वो भी एक खासियत है जो लोगों को नहीं पता कि स्टोरी टेलिंग गाने में भी आप स्टोरी टेलिंग देखेंगे. इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि गाना बना दिया अलग से. सो दैट हैज़ बीन द USP. एंड एट टाइम्स गाने फिल्म में खास करके हॉरर और टेंशन वाली जो फिल्म होती है, थ्रिलर होती है या हॉरर होती है, तो उसमें एक ब्रीदिंग स्पेस भी देते हैं. सो दैट हैज़ बीन वी बीन लकी टू हैव सच ग्रेट सॉन्ग्स इन द फिल्म. अमूमन लोग सोचते हैं कि विवाद बन जाए, कॉन्ट्रोवर्सी हो जाए,
डेट जब मैं तारीखों की बात कर रहा हूँ और जिस तरह से अब चल रहा है आपकी तारीख में, अब जब से ठाकरे अनाउंस हुई है, चाहे वो सुपर 30 हो, चाहे वो एक्सटेंशन प्राइम मिनिस्टर हो, सबकी तारीखें ऊपर नीचे और या चीट इंडिया हो, संजय राउत खुद जाके मिले और उन्होंने कहा और एक हैप्पी गो लकी अनाउंसमेंट कराया गया. व्हाई चीट इंडिया? चीट इंडिया, व्हाई चीट इंडिया, नॉट द नेम हैज बीन चेंज्ड टुडे. तो उन्होंने भी अपनी तारीखें आगे पीछे कर दी. हालांकि आपके पास एक बहुत सॉलिड रीजन है कि भाई मैं VFX पे काम कर रहा हूँ, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या? कंग यस्टरडे भी इसको कंगना उल्सो, क्या आप अपनी फिल्म की डेट आगे पीछे कर रहे हैं? क्योंकि ठाकरे इस काम साइड में किसी प्रेशर में नहीं हूँ ना, मुझे ठाकरे फैमिली से किसी ने कहा, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस डेट को बदलने की वजह. वेल, सबके अपने अपने रीजंस होते हैं, बट मेरा जेन्युइनली मतलब फिल्म ये शूट हुई है फेब मार्च में. आप देखिए कि इतना लंबा टाइम, आई मीन खास करके इतना लंबा टाइम दिया गया इसके VFX को अच्छा बनाने के लिए या साउंड इफेक्ट को अच्छा बनाने के लिए. और VFX एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर जो मैंने सुना है VFX कंपनीज जो काम करती है कि लोग टाइम नहीं देते इंडिया में अपने काम को अच्छा बनाने के लिए, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा. और जो आप अच्छी VFX वाली फिल्में देखेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है, बाहुबली हो या आपकी KGF अभी जो आई है या ज़ीरो है, इन्होंने दो दो तीन तीन साल अपनी फिल्मों को दिया है इतनी अच्छी क्वालिटी में दिखाने के लिए. सो दैट हैज़ बीन द की. हमने सोचा कि नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, नवंबर में रिलीज़ कर देंगे, नहीं हुआ. दिसंबर तक हो जाएगा, कंप्लीट कर देंगे, नहीं हुआ. जैन में हो जाएगा, नहीं हुआ. सो इट्स समथिंग दैट डायरेक्टर इज एडमेंट ऑन द फैक्ट कि मेरे को एक सर्टन क्वालिटी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उस लेवल का जब तक नहीं होगा तब तक रिलीज करके कोई फायदा नहीं. एंड दैट हैज बीन द ओनली रीजन फॉर शिफ्टिंग द डेट. आई जस्ट से फॉर पीपल हु डोंट इवन लाइक हॉरर, दे शुड स्टिल कम एंड सी इट बिकॉज इट्स रियली अ वंडरफुल स्टोरी एंड वी हैव सम ब्यूटीफुल और सेक्सी म्यूजिक व्हिच आई रियली लव. You'll enjoy the roller coaster ride, the twists and the turns, and you'll be very surprised. So go see Amavas February 1st.